विदिशा जिले के कुरवाई में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने के मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। छत गिरने से कुछ छात्राएं घायल हुई थी। इसी घटना को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार की शाम को विदिशा बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब सरकारी स्कूलों के रखरखाव और शिक्षा कार्य के लिए करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान किया जाता है, तब ऐसी क्या वजह है कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं? यदि इस घटना में किसी की मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? राजपूत है, आम आदमी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। साथियों, जैसा कि कल मुरवाई में जो बिल्डिंग गिरी है स्कूल की, जर्जर हालत में जो बिल्डिंग थी उसमें चार बच्ची जब गए तब से घायल हुई, तो आज सरकार से हमारा निवेदन यह है कि दिल्ली में केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी कर दी है, ये शिवराज सरकार को शर्म आना चाहिए। आज भारत के नौनिहालों का भविष्य, भारत का जो भविष्य है उसको ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शिक्षा माफिया सक्रिय है, तो हमारा निवेदन ये है कि सरकार को स्कूलों के हालात पर ध्यान देना चाहिए, टीचरों की अनुपस्थिति पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए।